ये मूवमेंट है साइक्लोन का, उसका मूवमेंट है बिपरजॉय का, उसके लिए जो अपने जिला स्तर पे जो तैयारियां की जानी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें जान माल का नुकसान हो, उससे संबंधित विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। अजमेर ज़िले में 17 और 18 जून को थोड़ी हैवी रेनफॉल के आसार हैं। 1077 हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कॉल करके किसी भी प्रकार की आपदा नियंत्रण के लिए आम आदमी कॉल कर सकता है। अरब सागर में बन रहे चक्रवात बिपरजॉय का असर आज शाम से राजस्थान में दिखना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर 16 और 17 जून को भारी अति भारी बारिश का दौर शुरू होगा। इधर बुधवार शाम सचिवालय में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से बैठक कर तैयारियों को लेकर रिव्यू किया गया। इसके तहत अजमेर में भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत तहसील स्तर पर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार ये सौराष्ट्र के कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। ये गुरुवार को शाम 8 बजे तक कच्छ के जरखो पोर्ट पहुँच सकता है। इस दौरान हालत बेहद खराब हो सकते हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक महामृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2:30 बजे की अपडेट के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय जरखो से करीब 140 किलोमीटर दूर और द्वारका से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाएं 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल, मेघालय शामिल है। जो हमारे पूरे संभाग में जो हमें तैयारियां करनी है, जो वेदर फोरकास्ट के हिसाब से और जो ये मूवमेंट है साइक्लोन का, उसका मूवमेंट है बिपरजॉय का, उसके लिए जो अपने जिला स्तर पे जो तैयारियां की जानी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें जान माल का नुकसान हो, उससे संबंधित विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। अभी हम सब अपने टीम मेंबर से बात करके उन सारे तैयारियों को अंजाम देने के लिए प्रयास करें, इसी के लिए मीटिंग। कंट्रोल रूम वगैरह बना दिए गए हैं उसके लिए? हाँ, कंट्रोल रूम बना रहे हैं और जो संसाधन कैसे हमको मोबिलाइज करने हैं, जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, अवेयरनेस करना है, उसके लिए हमारे डाउन द लाइन जितने मशीनरी हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, उनको एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। प्रेस रिलीज भी एक जारी की जाएगी प्रशासन की तरफ से, तो उससे रिलेटेड ये जनता हमें सभी को विदित है कि राजस्थान में मौसम सक्रिय होने जा रहा है, अगले माह में भी सक्रिय रहेगा। एक साइक्लोनिक दबाव है जो जिसे हम डिप्रेशन की तरह से अगर बात करें, साइक्लोनिक चक्रवात की तरह तो राजस्थान में उसका नहीं आने का है, बिपरजॉय जिसकी बात हो रही है मौसम विभाग की तरफ से, परंतु डीप डिप्रेशन उसमें की कैटेगरी में राजस्थान आएगा। उसके अंदर अजमेर ज़िला लीस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में डाला गया है, परंतु सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए और तैयारियों को देखते हुए हमने अपनी तरफ से आपदा नियंत्रण कक्ष इस्टैब्लिश कर लिया है, कि स्थापना कर लिया है यहाँ पे ज़िले में भी, और जो उपखंड हैं जैसे केकड़ी है, जवाज़ा है, मसूदा है, जहाँ से ज़्यादा इस तरीके की बाढ़ बचाव की कोई कोई प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है हर साल, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमने सब टीम्स की भी गठन कर लिया है, जिसमें सिविल डिफेंस के कार्मिकों को लगाया गया है, वॉलंटियर्स को, जिनमें से ज़्यादातर तैराक हैं, तो मानव संसाधन के रूप में हमने उन्हें तैनात कर दिया है। कल से 15 जून से इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। अजमेर ज़िले में 17 और 18 जून को थोड़ी हैवी रेनफॉल के आसार हैं। 1077 हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे कॉल करके किसी भी प्रकार की आपदा नियंत्रण के लिए आम आदमी कॉल कर सकता है। और इसी में कितनी टीमें बनाई अलग अलग उपखंड पे हमने अलग अलग टीम बनाई है, जैसे केकड़ी में 15 हैं, मसूदा, ब्यावर, जवाज़ा ब्यावर में 6 हैं, पिसांगन में 4, इस रूपनगढ़ में 6, इस तरह से अलग अलग टीमें।